नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चक्रवाती तूफान दाना ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि देर रात 12:10 पर ओडिशा के तट पर पहुंच चुका है। भारतीय समय के अनुसार 12:10 पर इस तूफान ने ओडिशा के अंदर जमकर तबाही मचाई है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। इस तूफान के चलते राज्य के विभिन्न हिस्सों में जबरदस्त बारिश, तेज हवाएं चल रही हैं। समुद्र के अंदर उथल पुथल मच गई है। IMD ने 7 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश, खतरनाक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिनमें मयूरभंज, कटक, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर शामिल हैं। इसके अलावा इस अवधि के दौरान भारी बारिश के लिए पुरी, खुर्दा, नयागढ़, ढेंकनाल सहित 5 जिलों के लिए दोस्तों नारंगी अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के पहुंचने की प्रक्रिया आधी रात के बाद शुरू हुई और अब दोस्तों ये जबरदस्त तबाही मचा रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही है। जगह जगह बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए हैं, बिजली के पोल गिर गए हैं। मौसम विभाग ने एक पोस्ट में कहा है कि इसके अगले 3 से 4 घंटों के दौरान उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की बहुत संभावना है। भितरकनिका और धामरा के पास दोस्तों ये तूफान एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है और जबरदस्त तबाही मच सकती है। दाना तूफान ओडिशा की लगभग आधी आबादी को प्रभावित कर सकता है। साथ ही शुक्रवार को बंगाल में बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई है। तस्वीरों से पता चला है कि बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में जबरदस्त बारिश हुई है। इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली है। वहीं दोस्तों ओडिशा के भद्रक जिले में भी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। धामरा में चक्रवाती तूफान दाना के कारण पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के पोल गिर गए हैं, जिसके चलते तबाही मच गई है। बता दें कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया जा रहा है। साथ ही इस तूफान के चलते 250 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 15 घंटे के लिए हवाई अड्डों को बंद कर दिया है। स्कूल, कॉलेज, बाजार सब कुछ बंद है। लोगों से यह अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले। 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा है। जगह जगह राहत शिविर केंद्र खोल दिए हैं। NDRF, SDRF, वायुसेना, सेना, इसके अलावा नौसेना को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा है। ये तूफान बहुत ही भयानक तूफान माना जा रहा है, इसलिए आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। वर्तमान में आपके जिले का मौसम कैसा कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।